यहाँ मामा मेरी बर्थडे का गिफ्ट चेक कर रही है। ठीक है, अपने मामा ने मेरे जहेज में लगा दी। माँ बस ये ऊपर वाले सारे मेरे। ग्रे दिखाओ जरा। आपका क्या कुछ सरपसर हो रही है तुम्हारी? एक और गिफ्ट मुझे मिलने लगा यहाँ पर। यहाँ पर हमारी चीजों की अनबॉक्सिंग हो रही है। किधर लगा के मामा अपनी शॉपिंग करने चली गई। सारे लाइन में फ्रूट्स लगे हुए हैं। मैंगो भी आ गया है। अरे भाई मैंगो आ गया। मैंगो हमने तो आज ही देखा है, पता नहीं कब का आया हुआ। हम लोग यहाँ से खाने लगे हैं कुल्फी। लो जी आ गई हमारी कुल्फी। तो मैं कुल्फी है तो खोया सारा। अल्लाह इस लड़की से कोई लग जाले। हमें किस किस को पसंद आई है? मम्मा पसंद आई है? तुम्हें आई है पसंद? निकल गया। पॉप्सी कैसी लगी है कुल्फी आपको? मैं तो खा दी नहीं आता। ओ अल्लाह कुल्फी खा लो आप पहले। अरे ओ ये मामा रहमत के लिए भी लेनी थी। नहीं जाएगी रहमत, वहां से कैसे जाएगी? दूर। A few moments later मम्मा अपने रफीक की मिठाइयां लेने जा रही हैं। मम्मा मैं आऊंगी आप जाओ। यहां पकड़ के तो मम्मा किधर गई है? कौन से लड्डू? मोटी बूंदी वाले लड्डू है। हो गई है। एक भी ढंग की मिठाई नहीं रखी जो हमें चाहिए। इस लड़की ने सारा काम खराब किया है। एक भी मिठाई मिली। पॉप्सी के साथ चकमा किया। मम्मा फातिमा ने पॉप्सी को बुद्धू बनाया। ये एक लड़की ना गलती से आज हमारे साथ आ गई है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दिया आप लोग सारे। गुस्सा गुस्सा क्या हो रही है यहाँ पे? ये क्या है? डॉग फातिमा फातिमा आत्मा को ढूंढ लो। वेयर आई आ गई फातिमा। ओए फातिमा एक तो ना जाओ। देखो इनको मुझे आवाज देना पड़ता है। मैं क्यों भी हो जाती हूँ जहाँ जाती हूँ। आ गई पीछे। यहाँ मामा मेरी बर्थडे का गिफ्ट चेक कर रही हैं। ये लड़की फिर गुम फिर गायब। मामा साथ साथ मेरी बर्थडे का गिफ्ट भी चेक कर रही है। शायद मुझे आपको कुछ पसंद नहीं होंगे। अपनी पसंद का ले लो वो ज्यादा बेहतर है। तुम्हें क्या पसंद है? क्या देखो कि मामा जीप से लगते हैं। एक बैग उन्होंने पकड़ा हुआ है ये चेक करो और एक बैग इसने पकड़ा हुआ है आंटी ने। टूट जाएगा मेरे वजह से। हम इनको नीचे ढूंढ रहे हैं। गाइस फातिमा पागल हो गई है। अपने मामा ने मेरे जहेज में लगा दी। तोबा इनको आज निकालना ना बहुत मुश्किल काम हुआ है। लो जी बैग हमारा आ गया। कुछ फिर गायब हो गए हैं। मुझे भी तो साथ लेके जाएंगे तो सारे खुद लेके फूसो इसको अंदर। अरे हाय क्या कर दिया। लॉक कर लो। चेक करना होता है भाई। इतने लंबे तो फिर आप उनको ढूंढ ढूंढ के आगे होते ही जा रहे हो एक से एक। 2000 years later पॉप्सी का चेक कर लो जरा। मां बस ये ऊपर वाले सारे मेरे। अन्ना जल्दी जल्दी आओ। मैं थक गई हूं। डबल मैंने बाद मैंने नहीं फिर पाया। ये जो एक आधा दिए खातून जा रही है ना आगे। शॉपिंग करना आसान है ढूंढना आसान है लेकिन ऐसे ही तुमने मुझे इच्छे में फिर पाया था। ऐसे ही फिर पाया था। मैंने इधर जाना है। मम्मा अस्तगफिरुल्लाह आ जाओ। कौन सी ब्लैक? मुझे देखी थी मांगनी है। किस लड़की से भी कोई अल्लाह बचा लिया फिर कह रही थी। अगर अब तुमने इसको भी रिजेक्ट कर दिया ना तो तुम गई हो। ब्लैक और ग्रे दिखाओ जरा। ये ब्लैक और ग्रे में। हाँ जी
उमा एक मिनट तो बस तफरुल्ला फातिमा और मम्मा की फरमाइश पे लाओ कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक मिली है फातिमा को। क्या कुछ असर हो रही है तुम्हारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसी है? मम्मा कैसा? फाइनली हमारा ऑर्डर आ गया, शॉर्ट्स हमारे हम पी चुके हैं। टडा, अभी हमारा जो है वो फुल मील आ गई है भाई। यहाँ पर बहुत रश है तो सबसे पहले हम अपनी मील को एंजॉय करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। रहमत जो है वो बहुत मिस करे, हमने रहमत को कोरियन शॉर्ट्स किया है अभी और उसको बहुत शदीद के द्वारा मिस किया। मम्मा ये क्या मंगाया? चलो जी चटपट सफा चट हो गया हमारा। यहाँ पे कुछ हो रहा है, बिलिंग की बारी हो रही है। ओह फाइनली शॉपिंग भी हो गई है, फिर पूजा भी हो गई है, अभी तीसरा हमारा काम क्या है? फातिमा का गुस्सा बहुत प्यारा लग रहा है, एकदम चौकास। आपको एक अधेरा पता चलेगा कि मैंने फातिमा का गुस्सा पहना हुआ है और फातिमा जो है ये क्या था? परफ्यूम भी चेक किया था और एक तो मामा की हड्डियाँ बिल्ली वो जा रही है। ये यहाँ से बाबा सर्कस लगाने लगी है, देख लो जरा हड्डी फेंक दी, अब बिल्ली भी देखो नीचे है कि नहीं। हाँ बिल्कुल। यूसीपी का पुल है ना, वो चुगली टाउन से आता है ना? नहीं खाली होता है, वो चेक करो कितना खूबसूरत है। वो आगे भी लगी हुई है पैरट्स वगैरह, वो देखो पिंक खड़े क्यों बैठे गले कहते हैं यही तो पॉप्सी की टेक्निक है। मुंह में पानी दिलाओ और फिर ना लो। कैसा मेरा मजाक? कैसा बता, पहले दिखा दिए उसके बाद कहते हैं आगे ले, सारे कमरे पहले नीचे रख लो फिर तुम्हें ले लेंगे। चलो बाय बाय, हर वक्त बाय के लिए तैयार होती है पहले ही। जान छुड़ा रही मामा कैसे? तो मम्मा ने मेरी नकल तो आया करनी है। तुमने तुमने उनको लतीफा दिया इतना बदल। ओ पापा ये भी है, वो ले दो है ना, वो कलरफुल चीजें तो बस। चलो एक और गिफ्ट मुझे मिलने लगा यहाँ पर, हम लोग लेने लगे हैं मिरर। अगर मिल गया तो लेट्स सी। वो अंदर लगा हुआ था सर्कल में, कहाँ है वो? ये है सर्कल में, तुम्हें अंदर कहाँ से गाड़ी में नजर आ रही है? और ये आ जाओ अब मम्मा ने बिस्ती किया, कहाँ जाके काम होगा तुम्हारा, तो दिमाग ही खराब है। तुम बस मामा से बिस्ती करवा लो, उसको कोई चीज ले दे। दौड़ गई पोपसी के पीछे। पोपसी पर पोपसी बचा के भागे थे। मम्मा आप भी जा रहे हो? हाँ। फिर मैं नहीं रुक रही, ये किस जाती है, मुझे अभी छोड़ के जा रही है। हाँ तो ये इतनी जाती है, सारे कुछ चल गए मुझे छोड़ के खाली करने। हेलो कलरफुल तो लोग कोई ऐसे वो ऊपर जैसे लगे हैं कोई, ये हैं इधर ये सारे स्टार्ट में लगे हैं। ये क्या था? मुझे लगा निकलने लगी है। कोई हाल नहीं है फातिमा, बस निकलने की मेरे पॉप्सी की महंगा। वाह लेकिन हमें तो यही पसंद है। यस मेरी गंदी सी मैंगो निकल आई है, बड़ निकली है मेरी, सही निकल आई है। मामा तुम्हारा मैंगो मिल्क शेक है, मेरा ऑरेंज खट्टा। ये क्या बात हुई भाई? पॉप्सी देख के क्यों नहीं ली हमने? मैंगो भी मजे का होता है। बटाला है नहीं भाई, बेकार किस्म की है। आने वाला काम नहीं है, जो आ गई वो आ गई। याद है पॉप्सी छोटे होते ना तीन का गिफ्ट बॉक्स लेके गिफ्ट लेके आते थे कि जिसके हाथ में जो आ गया। हाँ। तीन सेम चीज अपना। मामा याद है एक दफा शॉल लेके आए थे, एक दफा घड़ी लेके आए थे,
आप नहीं ऐसे करते हैं। और आगे हैं और आते ही हमारे सारे जो है वो दोस्त बेली आ गए। टींडा भी आ गया, टींडा भी आ गया है। ओ मोर शुक्र मामा। बिच्छो डॉगी भी उनके पीछे पीछे चला गया। इसको हड्डी फेंक दो। चलो चलो उसने आ जाए तुम्हारे पीछे। जल्दी से मेरे रास्ता खाली करो, मैं पहुंचू अंदर। चलो मम्मा सीधा लगते चले जाए। होम स्वीट होम। यहाँ पर हमारी चीजों की अनबॉक्सिंग हो रही है और चाचू बहुत तजस्सुस के साथ सारी चीजें चेक कर रहे हैं। ये मेरे मैंगोज हैं, इनका हम बनाएंगे जूस। रहमत इनके प्लीज समेटिंग। फातिमा ये अपना बैग दिखाओ, तुमने कौन सा लिया है प्लीज छो। बहुत ज्यादा जो है वो करने के बाद उसने मेरे इतने पैसे लगवा दिए है ना, उसको मैंने आईंदा अपनी जिंदगी में नहीं साथ दूंगी। आज इस लड़की ने इतना तंग किया, इतना तंग किया आपने मुझे। क्या बहुत प्यारा है रहमत का गुस्सा आया। सेम टू सेम मैचिंग मैचिंग आ गया। नाम का तो गुस्सा ही नहीं होता। थोड़ा सा कलर डिफरेंट है, डिजाइन का भी फर्क है। अच्छा और ये रहा मामा का। मामा अभी पहन के दिखाओ प्लीज शो। ये इनके पीछे लग के मैंने ले लिया, लेकिन लग तो अच्छी लगी है ना। प्रीटी पाँव तो अच्छा करें, बहुत प्यारी है। हाँ मैचिंग मैचिंग शॉपिंग आज मामा ने की है। हाँ तो बस तक फिर अनारकली में ऐसा लग रहा था जैसे आज हम लोग ना इतनी खुस्से वाली शॉप फिरी और फाइनली फातिमा को ये वाला पसंद आया। ढिंचक लग रहा है। मामा मामा अपनी शॉपिंग करने चलेगी, मामा अपनी शॉपिंग करने चलेगी। मुझसे मैं पता अल्लाह पूरा दिन की दर लगा गया फातिमा ने, बहुत तंग किया। 50 शॉप मामा अपनी चलेगी शॉपिंग करने के लिए बॉक्सी के साथ। इसने इतना तंग किया पीछे से 50 घंटे पूरे बर्बाद किया एक गुस्सा लेने में, सिर्फ एक गुस्सा ठीक है। उसके बाद बैग लेने में पूरा एक घंटा और बर्बाद किया। बहुत तंग किया इस लड़की ने। हम लोग साल में ना सिर्फ दो दफा जाते हैं नारकली शॉपिंग करने, मतलब पूरे साल में, और इतनी देर लगाते हैं सारे जहान के काम एक ही टाइम में करने होते हैं। मछली मंडी बंद करते प्लीज। हम लोग आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रहे हैं। आई होप कि आप लोग आज का ब्लॉग बहुत सारा पसंद आया होगा, शॉपिंग पसंद आई होगी। बाय गाइस, सब्सक्राइब कर दें। सबका अच्छी तरह से आप देखिए, सब कर लो। तुम कैमरा बंद करो। करते हैं अभी कैमरा बंद, इसलिए नहीं करना। हम लोग जो है वो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।